हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज करवाने वाले हम आरसी बोटो के बीच में रेस एंड फाइट वीडियो को करते हैं। आगे शुरू करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग, चलते हैं वीडियो को आगे। अगर आप लोग ये जेट पंप सब निकालते हैं, हमारी जेट पंप बोट को, ये दिखने में बिल्कुल इसरो की रॉकेट जैसी दिखाई देती है। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रख दूं ना, देखो ये बिल्कुल एक रॉकेट जैसा ही इसका डिजाइन बनाया गया है, पर ये पानी के अंदर आधी डूब कर चल सकती है। इसको हम लोग एक बोट भी बोल सकते हैं और सबमरीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर पीछे की तरफ से आधी डूब जाती है। इसकी नोज जो है पानी के ऊपर आधी रह जाती है। एक बार जब मैं इसको टच दिखाई देती है, तीन कलर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट कलर। प्रोपेलर है अंदर की तरफ नहीं फिट किए गए, पर ये भी जो बोट है पानी के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से चल सकती है। ऊपर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, कंप्लीटली यहाँ पर सील करके रखा है इन लोगों ने। इसके अंदर हम लोग चाहे तो अलग अलग बैटरीज भी लगा सकते हैं। ये भी एरोडायनामिक डिजाइन बनाया गया है। इसका रिमोट भी बहुत ही अलग है, आरसी कार्स के अंदर इसी तरह का रिमोट मिलता है। रिमोट की क्वालिटी ठीक ठाक है, सिंगल हैंड से भी हम लोग इस सबमरीन बोट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की बैटरी मिलती है, 3.7 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर दी गई है, 500 mAh, और चार्जर भी दिया गया। अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वेलोसिटी बोट को, फटाफट से इसको भी मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। इसके क्या क्या मेन फीचर्स है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये बोट छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से पानी के ऊपर दौड़ सकती है। इसको निकल सारे अलग अलग अटैचमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एक स्पैनर मिलता है, एक एक्स्ट्रा प्रोपेलर भी मिल जाता है। अभी दिखाता हूं वेलोसिटी आरसी सुपर फास्ट बोट। इसका डिजाइन देखो कितना ज्यादा शार्प है, पीछे की तरफ सिंगल प्रोपेलर इसके अंदर मिलता है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन चारों के बीच में फाइट, देखते हैं सबमरीन जीत पाती है या फिर हमारी वेलोसिटी बोट जीत पाती है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले जेट प्रोपेल्ड सबमरीन को टच करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका रिमोट बिल्कुल आरसी कार रिमोट जैसा ही दिया हुआ है। बोट बहुत अच्छे तरीके से टर्न ले लेती है और बोट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी भी हो जाता है। अभी इस सबमरीन को मैं झाड़ियों में टच करके बताने वाला हूँ। देखोगे यहाँ पे इतनी सारी झाड़ियां हैं, मैं इसके ऊपर से चला रहा हूं। अपनी बोट यहाँ पर बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, प्रॉपर तरीके से इन झाड़ियों के ऊपर से निकल रही है। अभी देखो ये बोट को मैं आपको टच करके बताता हूँ। जैसे मैं इसको झाड़ियों के ऊपर से लेके जा चुका हूँ, बोट हमारी कंप्लीटली यहाँ पर रुक चुकी है। मेरे को लग रहा है गाइस कुछ तो टूटा है, इसके अंदर बोट यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है। इसका प्रोपेलर घूम ही नहीं रहा यार, प्रोपेलर देखो दोस्तों कंप्लीटली बेंड हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर कर देता हूँ यार, या फिर दूसरा प्रोपेलर मेरे को इसके अंदर लगाना पड़ेगा। इसका प्रोपेलर मैंने चेंज कर दिया है, इसको मैं अभी बहुत ध्यान से चलाने वाला हूं दोस्तों, कहीं ये प्रोपेलर भी इसका टूट ना जाए। इसकी स्पीड देखो एकदम लाजवाब है, इसके अंदर से जो आवाज आती है ना, ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, पर इसको हम लोग ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो ये कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ये ब्लू सबमरीन बोट को टच करके देखते हैं। पानी के अंदर मैंने इसको भी डाल दिया है, इसके भी प्रोपेलर्स अंदर होने के कारण ये भी बहुत आराम से चलती है। इसकी भी कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दी गई है। अभी देखो गाइस इसको मैं बहुत दूर लेके जाकर वहां से टर्न करा के झाड़ियों के अंदर लेके आने वाला हूं। इसकी रेंज भी बहुत ही ज्यादा है, ये देखो झाड़ियों में मैं लेके आ चुका हूं। ये बिल्कुल भी फंसती नहीं यार, क्योंकि इसके भी दोनों के दोनों प्रोपेलर जो है अंदर की तरफ दिए हुए हैं। ये ग्रीन सबमरीन बोट को टच करके देखते हैं। ये झाड़ियों के ऊपर तो चल नहीं सकती है, पर इसके अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया है, वो मैं आपको बता दूं। देखो इसको मैंने अभी पलट दिया है पानी के ऊपर, यानी कि ये दोनों साइड से चल सकती है। आप इसको प्रोपेलर के साइड से भी चला सकते हो, इसको पलट के भी चला सकते हो। सबसे पहले इन दोनों के बीच में मैं रेस लगाने वाला हूँ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है रेस को। दोनों के बीच में काफी ज्यादा टफ फाइट चल रही है यार, यहाँ पे एकदम लहर आने के कारण दोनों बिल्कुल साइड में हट चुके थे। यहाँ पे रेस वापस से स्टार्ट हो चुकी है। व्हाइट कलर की सबमरीन बोट बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की है, और व्हाइट कलर की सबमरीन बोट ने जीत लिया है इस रेस को। अभी देखते हैं हमारी व्हाइट कलर की सबमरीन बोट वेलोसिटी बोट को भी हरा पाती है। यानी ओ माय गॉड, वेलोसिटी बोट की स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा है। वेलोसिटी बोट एक टर्न लगा के भी वापस आ चुकी है, पर सबमरीन बोट हार चुकी है वेलोसिटी बोट से रेस में। इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं ग्रीन बोट वेलोसिटी बोट को हरा पाती है। यानी ओ माय गॉड, इसके प्रोपेलर की जो लहर है इतनी ज्यादा खतरनाक है कि देखो ग्रीन बोट इसके आसपास में भी नहीं आ पा रही है। वेलोसिटी बोट एक राउंड लगाकर वापस भी आ चुकी है। क्लियरली यहाँ पर वेलोसिटी बोट जीत चुकी है रेस को। इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। वेलोसिटी बोट थोड़ी सी भारी पड़ती हुई लग रही है मेरे को व्हाइट सबमरीन के ऊपर। व्हाइट सबमरीन इसको धीरे धीरे करके झाड़ियों में खींच के लेके जा रही है। देखो गाइस मेरे को लग रहा है जानबूझकर इसको झाड़ियों के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही है, पर वेलोसिटी बोट थोड़ी सी पावरफुल मेरे को लग रही है। वापस यहाँ पर व्हाइट सबमरीन पूरी कोशिश कर रही है इसको हराने के लिए, और इसने हरा के रख दिया गाइस। देखो अभी तो इसने इसको पलट दिया है पानी के ऊपर, इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी बोट कुछ भी नहीं कर पा रही है। क्लियरली यहाँ पर जीत चुकी है व्हाइट सबमरीन टग ऑफ वॉर में।
अभी देखते हैं इन दोनों सबमरीन में से कौन सी सबमरीन जीत पाती है। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, दोनों ही काफी पावरफुल मेरे को लग रहे थे, पर गाइस व्हाइट सबमरीन ब्लू सबमरीन से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। देखो इसने कंप्लीटली ब्लू सबमरीन को डुबो के रख दिया है और इसको बहुत खतरनाक तरीके से पानी के अंदर डुबोए जा रही है और ब्लू कलर की सबमरीन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्लियरली वापस से जीत चुकी है व्हाइट सबमरीन बोट। इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं, देखते हैं यहां पे ग्रीन सबमरीन जीत पाती है या नहीं। ओ माय गॉड, एक सेकंड के अंदर ही हरा के रख दिया है व्हाइट सबमरीन ने। अभी वेट पूल टेस्ट कराते हैं इन बोट्स के साथ। यहाँ पे एक स्टील का बोतल मैंने ले लिया है और इसके अंदर पानी भी भर दिया, थोड़ा पानी नीचे गिरा देते हैं ताकि ये बोतल पानी के ऊपर तैर सके। अभी इस बोतल को मैंने वेलोसिटी बोट के साथ बांध दिया है, वेलोसिटी बोट बहुत आसानी से इतना ज्यादा वेट भी खींच के लेके जा सकती है। अभी सेम टेस्ट करेंगे ये बोट के साथ, देखते हैं ये खींच पाती है नहीं। यार इसके लिए तो बहुत ज्यादा ईजी था क्योंकि इसका जो प्रोपेलर है अंदर की तरफ है, इस वजह से यह बहुत तेजी से इतना ज्यादा वेट भी खींच सकती है। व्हाइट सबमरीन बोट के अंदर बहुत कमाल की लाइटिंग दी गई है, ब्लू कलर की सबमरीन बोट के अंदर भी लाइटिंग देखने को मिलती है, ग्रीन सबमरीन बोट के अंदर भी लाइट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इन सभी को पानी के अंदर डुबो भी दूं तो गाइस ये क्लियरली नाइट में भी चल सकती है। वेलोसिटी बोट के अंदर कोई भी लाइटिंग देखने को नहीं मिलती है, इसको हम लोग नाइट में नहीं चला सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन चारों में से कौन सी चीज पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूँ शॉट, इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों, कर दीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक, वीडियो को कीजिए शेयर।